नमस्कार हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कशन आज ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल है आज मलेरिया डे के रूप में भी अवेयरनेस जनरेट क्रिएट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और आज के इस पर्टिकुलर डे में क्या और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स और मैप ऑफ़ द डे भी हम आपके साथ हेल्प यू इमेंसली फॉर योर एग्जामिनेशन सो लेटस बिगिन द शॉट ऑफ द हिंदू न्यूज पेपर ये है आज के द हिंदू न्यूज का जो फ्रंट पेज है उसका एक स्नैपशॉट ट्वेंटी ऑफ अप्रैल 2023 है आज और इसके साथ हम लोग सबसे पहले आर्टिकल मलेरिया के ऊपर डिस्कस करने से स्टार्ट करते हैं सो so, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये वर्ल्ड मलेरिया डे सबसे पहली बार के लिए इसको एस्टेब्लिश करने का ये आपका कब से शुरू हुआ सो दिस वाज स्टार्टेड

ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया भी इसी दिन को एडॉप्ट किया गया था क्या एडॉप्ट किया गया था ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 से लेके 30 के बीच में हालांकि अटेम्प्ट ये है कि 2025 तक ही जो है यहाँ पे मलेरिया फ्री बनाया जाए ये आपका अटेम्प्ट है नेक्स्ट देखिए व्हाट इज मलेरिया सो मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज मतलब जान भी जा सकती है लाइफ disease

मॉस्कटो के थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनिफिलिस मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसफर होता है अच्छा फीमेल फीमेलो क्यों मेल क्या करता है यहां पे मेल मॉस्किटो तो जो मेल मॉस्किटो होता है ना दैट फीड्स ऑन प्लांट एंड जूसेस ऑफ प्लांट ओके तो इस पे वो प्लांट के जूसेस पे वो लीफ के जूसेस पे इन सब चीजों पे वो फीड करता है मेल मॉस्कुटो और जो फीमेल मॉस्किटो है दैट फीमेल मॉस्किटो इज द वन हु बाइट्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ ब्लड ओके नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आपका बन सकता है जीएस पेपर टू में हेल्थ के अंदर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मलेरिया इन इंडिया भारत में मलेरिया का अभी क्या स्टेटस है व्हाट आर द चैलेंजेस इन इरेडिकेटिंग सो सॉरी वॉट आर द चैलेंजेस इन इरेडिकेटिंग द डिजीज क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी इस डिजीज को इरेडिकेट करने में तो क्या पूछा जा रहा है अभी मलेरिया का स्टेटस क्या है तो ये कैसे पता चलेगा कोई लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चलेगा है ना और व्हाट आर द चैलेंजेस क्या क्या अभी दिक्कतें हैं इरेडिकेटिंग करने के लिए डिजीज को पूरी तरीके से हटाने के लिए और ऐसे क्वेश्चन में फिर आगे क्या बताना पड़ेगा कि वे फॉरवर्ड क्या है और क्या क्या ऑप्शन है किस तरीके से हम इससे और जो है पूरी तरीके से सेफ से होना चाह रहे हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट अपडेटेड हमेशा इसको ध्यान रखिएगा मेंस के लिए 2022 तो यहाँ पे वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 कौन प्रोड्यूस करता है कौन इसको बनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आइडेंटिफाइड 25 कंट्रीज विथ पोटेंशियल टू इरेडिकेट मलेरिया बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मैंने आपको बताया था ना दो ये दो हजार सोलह से लेकर दो हजार तीस तक है कि हाँ हम हाँ एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोग्राम लाएंगे लेकिन जो है आपका कोशिश ये है कि ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक ही ट होने के लिए 25 कंट्रीज के अंदर ये पोटेंशियल दिखता है ये कौन सा इनिशिएटिव है दिस इज योर ई ट्वेंटी इनिशिएटिव सो ई ट्वेंटी इनिशिएटिव फाइव इज रिलेटेड टू वॉट इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया बाई द ईयर 2025 ट्वेंटी फाइव ओके और वैसे तो आपके फाइव टाइप्स ऑफ प्लास्मोडियम आते हैं बट इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो होता है फेल्सिपेरम प्लास्मोडियम फेल्सिपेरम और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्लास्मोडियम विवेक्स ओके नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के तहत इलेवन हाई बोर्डन कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है और उन 11 हाई बर्डन कंट्रीज में से फाइव ऐसे कंट्रीज है जहां पे आपका डेथ रेट्स अभी भी बहुत ज्यादा है पर कंपैरेटिवली थोड़ा आपका स्लो डाउन हुआ है अब देखिए इसमें इंडिया है कि नहीं सो देर इज योर डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो घाना इंडिया एज वेल एज योर नाइजर एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया तो इसमें इंडिया भी है अब देखिए ये तो हो गया स्टेटस कि इंडिया इज ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ यू नो हाई बर्डन कंट्रीज इन केस ऑफ मलेरिया अब इसमें हर्डल्स क्या है हर्डल्स ये है कि जो ये पैरासाइट्स है दे आर म्यूटेटिंग पैरासाइट्स एंड दिस म्यूटेटिंग पैरासाइट्स विच कैन इवेड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्रीजिंग ड्रग रेजिस्टेंस एंड इन्वेजन ऑफ़ एन अर्बन एडाप्टेड मॉस्किटोज स्पेशली इन अफ्रीका तो आपने ये घर पे भी नोटिस किया होगा कि आज आपने एक्स ब्रांड का एक मॉस्किटो कॉल या फिर एक आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पे जो हम लोग कॉमनली ऑल आउट बोलते हैं अब ब्रांड कुछ भी हो ऑल आउट और गुड नाइट मेनी टाइम्स वॉट हैपन्स कि आपने जो भी मॉस्किटो के लिए यहाँ पे यूज़ किया है वो आफ्टर सम टाइम आप देखिएगा उसको आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन मॉस्किटो जा नहीं रहा है हैं मॉर्टिन लगाया फिर गॉडजिला लगाया इस तरीके से फिर मॉस्किटो के लिए ब्रांड चेंज करते रहते हैं या फिर कम्पोजिशन चेंज करते रहते हैं फिर ब्रांड प्रोडक्ट्स चेंज करते रहते हैं क्यों क्योंकि मॉस्किटो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप करता रहता है तो और ज्यादा केमिकल वाला वो आपका केमिकल्स और ज्यादा उसमें ऐड होता रहता है तो इसके वजह से जो है ये आपका प्रॉब्लम है वो खुद ही म्यूटेट करके चेंज होता रहता है ये आपने न्यूज में कोविड के केस में भी सुना होगा कि जो वैक्सीन है ये इसमें इसके लिए है लेकिन आपका ये अभी नया वेरिएंट नया वेरिएंट तो इस तरीके से यहाँ पे वेरिएंट तो नहीं पर क्या है आपका आ, दे दे गेट्स एडजस्टेड दे एडजस्ट डेमसेल्स अकॉर्डिंग टू तो द सिचुएशन तो वो जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं अब यहाँ पे सबसे आ, इंपॉर्टेंट कैरियर कौन है यहां पे कैरियर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और ये जो फीमेल एनिफिलिस मॉस्किटो है ये लिवर सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करती है और सीधे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल पे अटैक करती है विच रिजल्ट इन रैप्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड देट इज वाई दिस इज सो डेंजरस तो अगर इतना डेंजरस है तो इसके लिए कोई वैक्सीन है कि नहीं हाँ वैक्सीन अभी आपका डेवलप हो चुका है आर एस वैक्सीन है जिसका जो आपका नेम है जो कॉमन नेम है जिससे

थर्टी हावएर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का ये इनिशिएटिव है कि आपका ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक ही जो है इरेडिकेट हो जाए सो दिस एम टू रिड्यूस मलेरिया केस इंसिडेंस और उसके लिए ट्वेंटी फाइव कंट्रीज में से ये बोला गया कि पोटेंशियल है कि आप ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक ही कर लो ओके सो मोर्टलिटी रेट बाय एटलीस्ट क्या कर सकते हैं इसको स्टार्ट करके क्या कर सकते हैं मोर्टेलिटी रेट को ट्वेंटी ट्वेंटी तक ही फोर्टी परसेंट तक कम कर सकते हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक तो सेवेंटी फाइव परसेंट कर सकते हैं एंड बाय द ईयर वी रीच ट्वेंटी थर्टी नाइन्टी परसेंट लेस डेथ विल हैपन फ्रॉम मलेरिया ओके अब देखिए एक और है यहाँ पे अबाउट योर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशियेटिव तो अगर पूछे हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशियेटिव क्या है ये इंडिया के केस में अभी हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे ना तो ये इंडिया के केस में फोर स्टेट्स के अंदर स्टार्ट किया गया है वेस्ट बेंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ठीक है हाई बर्डन से लेकर अब हम क्या करना चाह रहे हैं हाई इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है इस इनिशियेटिव का ये करना चाह रहे हैं नेक्स्ट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई एम सी आर हैजैब्लिश मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च the of Research, IMCR, has Elimination Research Alliance, जिसको मलेरिया so, Malaria एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस ओके इसके अलावा और क्या इनिशियटिवस हमने लिया है नंबर टू इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट सबसे कॉमन जो यहाँ पे देखने को मिला हम इसे अथुआ ता नहीं सो so, ये बेड नेट्स क्या है कि सोने से पहले बेड में क्या है नेट्स लगाना है है ना? या फिर uh, मच्छर दानी जो आपका रहता है वो आपका लगाना है इसके वजह से क्या होता है इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड लगाना है जिसके वजह से मच्छर दूर रहते हैं ओके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी सो ये रिस्पॉन्सिबल है एंटी मलेरियल ड्रग एक प्रोवाइड किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को ताकि इस जो है मलेरिया वो आपका इन्फेक्ट ना कर पाए इसलिए ओके सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज अबाउट द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस किनको मिला है यहाँ पे एलेजेंड्रा कोरेप को मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस अब गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस इज ऑल्सो नोन एस वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन नोबल इसको ग्रीन नोबल भी कहा जाता है नोबल पीस प्राइस हम ऐसा बोलते हैं ना ये वाला जो है ये किस लिए है ये ग्रीन नोबल इसको कहते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस ओके okay? क्यों आ, यहां पे एलेजेंड्रा कोरैप को मिला है ये अवार्ड क्योंकि शी हैज शोन लीडरशिप इन डिफेंडिंग हर कम्युनिटी लैंड अगेंस्ट इलीगल माइनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स एंड अदर एनवायरमेंटल क्राइम्स जो उनका जमीन है उसको इंडिजीनियस कम्युनिटी जहाँ पे आपका uh, रहती है या फिर जिसपे डिपेंडेंट है ज, जो उनका लैंड है वहां पे कम्युनिटी लैंड्स के अगेंस्ट वहाँ पे जो इलीगल माइनिंग हो रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स इन सब चीज़ों को रोकने के लिए शी हैज़ कम फॉरवर्ड सो शी इज फ्रॉम विच इंडिजीनियस कम्युनिटी मुंदुरुकू ओके मुंदुरुकू मुंदुरुकू

Indigenous communities काफी सारे जगहों में ये देखा गया है, है, कि जो जो पे हमेशा से रहते आ रहे हैं, आर द बेस्ट प्रोटेक्टर्स ऑफ यू नो एवरीथिंग ये काफी आपका देखा गया है नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेशन कावेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी प्रस में भी आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से ऑपरेशन पे पूछा गया था तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कावेरी क्या है ऑपरेशन कावेरी इज फॉर ब्रिंगिंग बैक द सिटीजन ऑफ इंडिया इन योर ओके? सो ऑपरेशन कावेरी जस्ट रिमेंबर वन वर्ड फर्स्ट दैट इज योर सुदान अब यहां पे जो एस जयशंकर साहब है वॉट करेंटली इन गोयनाड दैट इंडिया India's ships and aircrafts are set to bring Indians back home. So already the mission has started. Next, you see Operation Kaveri gets underway to bring back our citizens stranded in Sudan, and about 500 Indians have already reached the ports in Sudan. Okay. अब यहाँ पे वॉट एग्जैक्टली इज द डिप्लोमेसी ऑफ द नेम और वाई वी हैव कैप्ट सच इससे इसके पीछे क्या कारण है कावेरी इज योर मेजर इंडियन रिवर एज यू नो यहाँ पे अगर हम साउथ इंडिया का मैप रफली देखें तो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ओके okay? और यहाँ पे नर्मदा ताप्ती तो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी यू कैन राइट कावेरी यू कैन राइट कावेरी also सो कावेरी रिवर इज द मेजर रिवर ऑफ साउथ इंडिया और यहाँ पे जो है इन साउथ इंडिया द रिवर इज वर्शिप्ड लाइक मदर इन इंडियन कल्चर मेनियर टाइम्स रिवर इज वर्शिप्ड राइट बट हियर यू सी इट इज ऑल्सो रेफर्ड एस गॉड कावेरी अम्मा दैट इज योर मदर कावेरी ओके एंड वॉट इज अनादर पॉइंट हियर दैट जिस तरीके से जो रिवर है वो अपने डेस्टिनी में पहुंच जाती है भले ही कितने सारे वाधा विघ्न उसके रास्ते में आए वो अपने मंजिल तक जो है वो पहुंच जाती है और एक माता की तरह जो है एक मदर की तरह इंश्योर्स एवरीबॉडी सेफ्टी एंड ब्रिंग बैक होम यू नो ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक टू होम सेफली सो दैट इज द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर ने क्या ऐसे ऑपरेशन हमने पहले भी किए हैं हाँ जैसे कि यूक्रेन के, के केस में ध्यान रखिएगा ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन गंगा कंडक्ट किया था किसके केस में यूक्रेन के केस में रशिया यूक्रेन का जब यहाँ पे वॉर आपका जो चल रहा है उसके दौरान इंडियन स्टूडेंट्स को इवेक्यूएट um, करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था द गंगा इज नॉट जस्ट अ ह्यूज वाटर रिसोर्स बट ऑल्सो वॉर इन इंडिया ओके सो दैट्स वाई द नेम नेक्स्ट केस ऑफ योर अफगानिस्तान एज वेल वेन अफगानिस्तान वॉज अंडर अटैक फ्रॉम तालिबान देन ऑल्सो वी है तो ऑपरेशन डेवी शक्ति किस केस में किया अफगानिस्तान केस में किया इस तरीके से और क्या ऑपरेशन है इस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त भी कंडक्ट किया जिसके तहत रेस्क्यू और रिलीफ मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बना था अर्थक्विक हिट टर्की एंड सीरिया में रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन मटेरियल्स आपका प्रोवाइड किए गए थे देन योर दी एन डी आर टीम दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दे कैरिड आउट इवेंट्स एज वेल ताकि यहाँ पे रिलीफ जल्दी से पहुंचाया जा सके देन द सिटीजन्स ऑफ टर्की एंड सुदान थैंक इंडिया फॉर इट्स असिस्टेंस एंड देट इज वायर ऑपरेशन दोस्त वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल ओके इसके अलावा कोविड नाइन्टीन के समय में हमने बंदे वंदे भा, भारत कोविड नाइन्टीन के समय में हमने वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु कंडक्ट किया था यमिन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑपरेशन राहत नेपाल अर्थक्वेक के समय ऑपरेशन मैत्री एंड इस पे तो पूरा का पूरा मूवी बना हुआ है आपका एयरलिफ्ट है ना ये कुवेत के समय पे सो नाउ लेटस कम टू दिस मैप ऑफ द डे आज के मैप ऑफ द डे में हम देख पा रहे हैं समुद्र सेतु तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है आपका इट वॉज लॉन्च अलोंग विथ योर वंदे भारत मिशन आप अभी हमने देखा था कोविड नाइन्टीन के समय में कोविड नाइन्टीन के समय में ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और uh, आपका बिगेस्ट सिविलियन एक्सकेविशन टू ब्रिंग बैक द

तो मैप ऑफ द डे देखने के बाद अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज हेडिंग पे विच इज अबाउट योर पुष्करालू फेस्टिवल सो पुष्करालू फेस्टिवल रिटर्न टू गंगा आफ्टर अ गैप ऑफ टूवेल्व ईयर्स तो यहाँ पे जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं गंगा घाट सब लोग नहा रहे हैं तो uh, यहाँ पे होली बात का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बींग प्रैक्टिस्ड सो द हियर इज ये क्या इनिशिएटिव है तो क्या है यहाँ पे फॉलोइंग द सक्सेसफुल काशी तमिल संगम इससे पहले क्या हुआ था काशी तमिल संगम हुआ था और अब क्या हो रहा है अब हो रहा है आपका पुष्करालू फेस्टिवल जिसमें अब काशी वाराणसी में काशी हो गया काशी तमिल संगम हो गया तो इसमें क्या हो रहा है वाराणसी में तेलुगु स्पीकिंग, so, स्पीकिंग पीपल सो तेलुगु स्पीकिंग पीपल आर फ्रॉम योर आंध्र प्रदेश ओके तेलुगू स्पीकिंग पीपल आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश तेलुगू इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश एंड तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद एक तो तेलंगाना हो गया और दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया वहां पर तेलुगू बोला जाता है तो ये बेसिकली पूरे साउथ इंडिया के लिए है काशी तमिल संगम ओके दिस इवेंट इज सेट टू ड्रॉ तेलुगु स्पीकिंग पीपल टू वाराणसी तो यहाँ पे इस वाले इवेंट पे पुष्कर आलू फेस्टिवल पे वाराणसी में ड्रॉ करने का ये एक इनिशिएटिव है ओके सो द फेस्टिवल इन विच पिलग्रिम्स विल वर्शिप देयर एनसेस्टर्स एंड द रिवर गंगा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन काशी दिस ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ ट्वेल्व इयर्स तो इससे पहले कुछ प्लानिटरी ट्रांजिट थे शुभ अशुभ जो कहते हैं प्लैनेट के मूवमेंट पे तो वो सब चीजें थे और अब जो है बारह साल बाद यहाँ पे दोबारा गंगा किनारे ये आपका फेस्टिवल uh, हो रहा है तो एक लाख से ज्यादा लोगों का यहाँ पे गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड ऑलरेडी टू यू नो एक्सपेक्ट नंबर ऑफ वन लाख पीपल एस वेल सो इट इज द सेकेंड इवेंट ऑफ द रिस पास्ट टू बी ऑर्गेनाइज इन वाराणसी आफ्टर द काशी तमिल संगम तो इससे पहले क्या हुआ था काशी तमिल संगम हुआ था ठीक है तो पुष्करालू फेस्टिवल ध्यान रखना है द द नेक्स्ट इज अबाउट योर एडिटोरियल सेक्शन आज एडिटोरियल सेक्शन में हमने जो एडिटोरियल लिया है देंडिंग बिल्स द इशू ऑफ ग्यूबरनेटोरियल इंटेक्शन सो वट इज दिस ग्यूबर नेटोरियल इनशन और पेंडिंग बिल क्यों यहाँ पे हो रहा है देखिए कभी भी एक बिल जो आपका पास होता है अगर वो आपका यूनियन लिस्ट का है तो वो लोकसभा या फिर राज्यसभा जहां पे भी वो ऑरिजिनेट हुआ हो सकता है वहां पे ऑरिजिनेट होके उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट स्टेट के अंदर क्या होता है स्टेट के अंदर जहां से भी ऑरिजिनेट हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एग्जाम्पल से होते हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि सिर्फ सिक्स के पास है और उसके बाद जाएगा गवर्नर के पास अब वॉट द गवर्नर डू क्या इतना सिंपल है आर सम टर्म्स एंड कंडीशन लाइक अगर यहाँ पे मनी बिल है तो मनी बिल इज इनिशिएटेड विद द प्रायोर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट आप लोकसभा से शुरू करते हैं ये सब चीजें हैं तो यहाँ पे गवर्नर के पास भी पावर्स है, है ना अब इसी चीज को हम देखने जा रहे हैं इस आर्टिकल के थ्रू कि गवर्नर या तो दे दे बिल को हाँ ठीक है साइन कर दिया हो गया है, या तो उसको रिजेक्ट कर दे या तो उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दे पर डिले करने से क्या होगा पेंडिंग करने से क्या होगा इसके बारे में आर्टिकल है सो सेवरल बिल्स पास्ड बाय द असेंबली हैव बीन पेंडिंग एज द गवर्नर हैज नॉट मेड एनी डिस और पेंडिंग में चलने से क्या होता है पेंडिंग में चलने से पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस में स्लो डाउन हो सकता है हालांकि लेजिस्लेचर ट्रांसग्रेसिस अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट को जो है सरपास कर रहा है देन इट इज द गवर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू गिव एस एल तो दोनों पहलू आपको समझ में आ गया होगा एक तरफ जहां की हाँ पेंडिंग बिल है तो इससे कितनी सारी दिक्कतें हमने देखी लेकिन दूसरी तरफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करा तब भी अप्रूव कर दिया तो फिर उससे क्या होगा दिक्कत होगा अब हम इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देखते हैं बिफोर वी बिगिन विद द आर्टिकल्स लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर कि ये जो सारे पावर्स है ना ये आपका पार्ट सिक्स के तहत है ये सारे पास आप इसको घर पे भी पढ़ सकते हैं नो प्रॉब्लम विद दैट है ना आई विस्प्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स ये सारे पार्ट सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तहत है और आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री क्या बोलता है कि हाँ देर शेल बी अ गवर्नर ऑफ इंडिया देर शेल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट एंड देर शेल बी गवर्नर ऑफ स्टेट एंड मोर देन वन स्टेट के लिए यू कैन हैव द सेम गवर्नर ओके सो दिस थिंग इज पॉसिबल ऑल्सो द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जैसे इधर प्रेसिडेंट है इधर गवर्नर है खत्म ओके हालांकि ऑब्वियसली यहां पे जिसने जिसको अपॉइंट किया है ना आई ऑलवेज गिव यू दैट जोक नो तो यहां पे भी ये चीज रहेगा सो so, इसीलिए प्रेसिडेंट का जासूस भी कहा जाता है गवर्नर को ओके okay? अब हम आ जाते हैं आर्टिकल्स पे देखिए आर्टिकल 200 क्या है दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर कि अगर वो ऐसे देना चाहे बिल पे ओके द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू एक्ट व्हेन अ बिल इज बाय बाई दी एंड प्रेजेंट इट टू हिम और पर ऑप्शंस गिवन इन आर्टिकल 200. सो so, यानी कि यहां पे जो आर्टिकल्स है द सबसे पहला आर्टिकल आर्टिकल थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू एंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी स्टेट्स के लिए क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को मानके चलना है और अगर यहां पे द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू एक्ट वेन अ बिल इज पासड बाय द एसेंबली एंड प्रेजेंट टू हिम एज पर दिवे इन आर्टिकल टू हंड्रेड ओके अगर यहां पर पे पे पेंडिंग चल रहा है तो उसके तहत आर्टिकल टू हंड्रेड के तहत हो सकता है जो आर्टिकल टू हंड्रेड वन है दट इट्सल्फ इज द बिल फॉर कॉन्सिडरेशन कॉन्सिडरेशन ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन

टू द प्रेसिडेंट तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है नेक्स्ट इज आर्टिकल टू हंड्रेड प्रोवाइड ऑप्शन टू द गवर्नर वेन अल इज प्रेजेंटेड टू हिम आफ्टर बींग बाय देशर अगर लेजिस्लेचर में पास हो गया उसके बाद अगर गवर्नर के पास बिल आ रहा है तो ये गवर्नर को जो है इट गिवस द ऑप्शन टू द गवर्नर की क्या करना है क्या क्या ऑप्शन है टू गिव एसेंट कि आप हम ही भर दीजिए विदहल एसेंस अभी विदहल करके रखा है और सेंड इट बैक टू दसेंबली टू रिकन्ट क्या होगा ये आप कर सकते हो इसके अलावा द बिल कैन ऑल्सो बी सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन हावेवर इनकेस द एसेबली रिकन्सिडर द बिल एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर अंडर दर्ड ऑप्शन ही आप काफी समय से पढ़ रहे हैं कि या तो एसेंट दे, दे या तो विधहोल कर दे कि अभी रुको अभी विथ्रोल किया हुआ है या, assent कर दे या तो या फिर आप वापस से उसको असेंबली में भेज दे अगर बिल वापस आएगा है ना बिल तो वापस आएगा अब ये बिल विद चेंज आए चाहे विदाउट चेंज आए तब तो अब सेकेंड टाइम आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा ओके सो इट इज ओनली लॉजिकल टू थिंक दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सर्टेन ऑप्शंस टू द गवर्नर ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑन देम जस्ट बिल को ऐसे ही छोड़ देना उससे क्या होगा कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा तो इसीलिए कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए एक जुडिशियल प्रनाउंसमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है कि क्या होना चाहिए तो ये न्यूज में आया तमिलनाडु के केस uh, के वजह से बिकॉज इन तमिलनाडु द गवर्नमेंट हैज गिवेन इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक स्टेटमेंट दैट इज की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स को अगर सरपास कर रहा है ट्रांसफ्रेस कर रहा है तो फिर नहीं जो है उस पर कुछ रिस्पॉन्स दिया जाएगा पर अगर स, बहुत सारे बिल्स के साथ अगर ऐसा हो तो फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में इसके वजह से रुकावट आ सकती है सो दैट इज द डिबेट ऑफ द आवर एज ऑफ नाउ ओके यही आपका कॉन्ट्रोवर्सी है बेसिकली ओके नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन मलेरिया सो द क्वेश्चन इज वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस ऑफ मलेरियल पेरासाइट टू ड्रग्स लाइक

ड्यिंग नेचुरल इन्फेक्शन तो जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तब तो वो इम्यूनिटी डेवलप करता है पर yes, इस केस में वैक्सीन के केस में वैक्सीन से नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं किया है सो येस दिस इज द करेक्ट रीजन फिर भी बाकी ऑप्शन दे है वैक्सीन कैन भी डेवलप ओनली अगेंस्ट बैक्टेरिया सब आप बाकीयों के अगेंस्ट भी कर सकते हो पोलियो वैक्सीन फॉर एग्जाम्पल पोलियो तो वायरस से होता है मैन इज ओनली एन इंटरमीडिएट होस्ट एंड नॉट द डेफिनेट Host. तो यहाँ पे जो है कैरी कौन करता है फीमेल एनिफिलिस मॉस्कुटो सो बी इज द करेक्ट आंसर टुडे इन टेबल ऑफ द डे वी हैव सम इम्पॉर्टेंट मोबाइल एप्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ पे ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स नाम से पता चल रहा है किस मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री स्वच्छ नगर एप नगर है तो ध्यान रख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरियाज और नाम ही पता लग रहा है कि आ, अर्बन में किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज बॉडी किस तरीके से हाउस होल्ड कूड़ा करकट को इकट्ठा कर सके फिर देखिए रेल कुंभ सेवा या आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा है टू हेल्प डिवोट अराइविंग इन अलाहाबाद फ्रॉम द फॉर द कुंभ मेला कुंभ मेला में असिस्टेंस के लिए इसको रेल कुंभ नाम से पता लग रहा है जियो कुंभ अगर कोई खो गया तो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन के लिए है ना फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं खेलो इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके इसके अलावा आज जो हमारे पास लास्ट आर्टिकल है दिस इज अबाउट योर क्रिप्टो लेजिस्लेशन इंडिया में अभी हम क्रिप्टो के बारे में क्या था कि इंडिया ने खुद का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया लेकिन आपका ये न्यूज में बना हुआ था कि कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रही है डू दे है रेग्यूलेशन रिगार्डिंग क्रिप्टो लेजिस्लेशन सो द यूरोपियन पार्लियामेंट फाइनली जो की लेजिस्लेटिव बॉडी है सत्ताईस कंट्रीज का इसने क्या किया यहाँ पे हैज अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स टू ब्रिंग लार्जली अनरेग्युलेटेड क्रिप्टो करेंसी मार्केट अंडर द एमबिट ऑफ रेगुलशन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज तो ये जो अनरेग्यूलेटेड क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज के एमबिट में लाने का एक कोशिश है बाई द फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रूल किसने यहाँ पे बनाया है यूज दट इज यूरोपियन यूनियंस न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन अब हम इसको किस नाम से बुलाए इस रेगुलेशन को इस रेगुलेशन को अब हम बुलाएंगे एम आई सी एम आई का दट इज मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स ओके हाउ विल वी कॉल इट मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स ओके एंड वील कम इन टू फोर्स आफ्टर द फॉर्मल अप्रूवल ऑफ में सो नाउ दिस इज योर टूडेज होमवर्क क्वेश्चन अब हम प्रलिम्स के होमवर्क क्वेश्चन में चाहते हैं कि आप डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करें और कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर छोड़ें सो विथ रेफरेंस टू ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरी वन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स इज इट ट्रू अबाउट ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी तो इस तरह से आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए एंड उससे करेंट अफेयर्स में कोई भी चीज रहे या फिर टॉपिक्स का किस आप कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत भी पता है तब भी आप उसमें आंसर कर सकते हैं तो एटलीस्ट try to participate in the comment box everyone and be regular for this sessions if you have any feedback then please do not hesitate and send us your feedback as well thank you everyone take care stay blessed bye bye